लास्ट क्लास में आपने डिफरेंशिएशन के ऊपर बहुत सारा सवाल किया था, खास करके मैंने, मुझे याद है दो सवाल हम लोग किए थे जहां पे मैंने आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऐसा अलग अलग केस बताया था और कहा था कि वहां पे सॉल्व करना है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको आपको पढ़ना है। लिखिए, पहला प्रॉपर्टी नंबर वन, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट टाइम्स अ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट टाइम अ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट टाइम्स अ फंक्शन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, कॉन्स्टेंट टाइम द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। क्या तात्पर्य है इसका, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि मान लीजिए ये इस तरह का कोई फंक्शन है जो फंक्शन के आगे एक कॉन्स्टेंट लिखा है, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि आप उस कॉन्स्टेंट को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं और आप फंक्शन को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप में आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, 3t³ को आप क्या कीजिए, dt के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो अब ये 3 क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, तो बाहर निकाल लिए, आपके पास क्या बचा, td³/dt, और इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, 3 × 3t² फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 90² तो ये जो आपने ये कॉन्स्टेंट फंक्शन जो था यहां पे, इसको आपने बाहर जो निकाल लिया, यही ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी फंक्शन के आगे अगर कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड है तो कॉन्स्टेंट को आप डेरिवेटिव के बाहर निकाल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर वन लिख लीजिए इसको, राइट दिस प्रॉपर्टी नंबर वन। तब तक हम लोग प्रॉपर्टी नंबर टू के बारे में बात कर दें, तो जल्दी जल्दी लिखिए प्रॉपर्टी नंबर वन। लिखने में तो आप लोग ऐसे ही बहुत फास्ट हैं, जिसको छापना भी बोलते हैं। नेक्स्ट लिखिए, डेरिवेटिव ऑफ, इतना भी जल्दी नहीं लिखते, नेक्स्ट, इतना आप लोग टाइम लगाएगा तो कैसे होगा। नेक्स्ट लिखिए, डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू, डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू सम और डिफरेंस ऑफ इज इक्वल टू सम और डिफरेंस ऑफ the derivatives of the function, sum or difference of the derivatives of the function, that is, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, मैंने ऐसा पहले भी बोला था, दोनों को आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। बताए थे ना लास्ट क्लास में, एक एग्जाम्पल भी इसके ऊपर किए थे, जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखिएगा, एग्जाम्पल है, मान लीजिए एग्जाम्पल दिया है डी ऑफ डी एक्स 3x² + 2x, ये आपका फंक्शन है जिसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप इसको दो भाग में तोड़ सकते हैं ना, dx² / dx + d2x / dx, फिर अगले स्टेप में 3 कांस्टेंट था, उसको क्या कर लिए, बाहर निकाल लिए, क्या बचेगा, dx² / dx + 2 कांस्टेंट था, बाहर आ गया dx / dx, इसका सॉल्व कीजिएगा, यह आएगा 3 × 2x + यह आएगा 2 × x^0 आएगा ना, 1 - 0 दैट इज 0, तो सॉल्व कीजिएगा क्या होगा, दिस विल बिकम इक्वल टू, ये 0 होगा कि 1 होगा, ये 1 होगा ना, देखिए तो ये 1 होगा, ये कितना आ जाएगा, 6x + 2, तो ये क्या हो गया, आपका डेरिवेटिव हो गया। तो मैंने ऐसा डॉट लगाया तो आपका भी डॉट लग गया,
आप में पूरा क्वालिटी है, आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं और कैप्टन भी बन सकते हैं। हमारा एक तो दोस्त बना था, उसमें भी यही प्रॉपर्टी था, अभी बहुत तेज लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो प्रॉपर्टीज थी, पढ़ लिए, अब आगे लिखिए रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके अंदर पहला रूल है जिसको ये बच्ची चिकर चिकर के बार बार कह रही थी, सीसा प्रोडक्ट रूल, बार बार कह रही सर प्रोडक्ट रूल क्या होता है, सर प्रोडक्ट रूल क्या होता है। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है सीसा, प्रोडक्ट रूल क्या होता है आप बताइए, व्हाट इज अ प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, क्या कहता है? अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, लिखिए प्रोडक्ट रूल क्या कहता है। मान लीजिए कोई एक डिफरेंशिएशन दिया है, यहां पे लिखा है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन का क्या है मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हम लोग कैसे लिखते हैं उसको आप ध्यान से देखिए। कैसे लिखते हैं, पहले आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएटिंग द फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएटिंग द फर्स्ट फंक्शन एंड लीविंग द सेकेंड फंक्शन, प्लस लीविंग द फर्स्ट फंक्शन एंड डिफरेंशिएटिंग द सेकेंड फंक्शन, ये इसका डेरिवेटिव होगा। ये इसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, सेकेंड फंक्शन को ऐसे ही छोड़ दीजिए, सेकेंड में फर्स्ट फंक्शन को छोड़िए और सेकेंड फंक्शन को आप क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। एक एग्जाम्पल देंगे उससे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये लिख लिए, व्हाट इज दिस, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को छोड़ दिया, प्लस पहले को छोड़ दिया, दूसरे को क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखिए, राइट द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखिए डी ऑफ डी एक्स एक्स साइन एक्स, डी ऑफ डी एक्स एक्स साइन एक्स, ये क्या है आपका फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन होता है तो इसको सबसे पहले आप ऐसे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, डिफरेंशिएट करिए पहला फंक्शन को, सेकेंड फंक्शन को ऐसे ही छोड़ दीजिए, प्लस फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही छोड़िए और डिफरेंशिएट कर दीजिए सेकेंड फंक्शन को। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया वन इंटू साइन एक्स, प्लस एक्स को ऐसे ही छोड़ दिया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, लिखवाए थे ना आपको टेबल में, देखिए साइन एक्स का क्या होता है, बोले थे याद करने के लिए, फिजिक्स में तो कोई होमवर्क नहीं दिए थे, ये याद हम करेंगे, क्या होगा कॉस एक्स होगा। अरे सेक्स क्या बोल रहा है रे, कॉस एक्स बोलो, ठीक से बोलो ना, सब गलत सलत वर्ड क्लास में यूज कर रहा है, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, ये क्या होगा आपका डिफरेंशिएट करने पर आंसर आएगा, क्या आएगा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। समझ में आया कैसे रूल यूज करते हैं, साइसा डाउट था क्लियर हुआ, वॉट इट, लिख लिए, एक खतरनाक स्पीड में छाप रहे हैं जी आप लोग। बड़े आगे, तो ये रूल को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल कहते हैं। इस रूल को क्या कहते हैं, एक और रूल होता है उसको बोलते हैं डिवीजन रूल, एक और रूल होता है उसको क्या कहते हैं डिवीजन रूल। अगला रूल लिखिए डिवीजन रूल, वैसे पूरे फिजिक्स में डिवीजन रूल कम ही आएगा पर पता होना चाहिए, वैसे फिजिक्स में नहीं आता, ये ज्यादातर गणित में ही यूज होता है, पर पता होना चाहिए कि डिवीजन रूल क्या होता है। क्या कहता है डिवीजन रूल, अगर कोई दो फंक्शन क्या है आपस में डिवाइड किया हुआ, जैसे एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, और इसको आपको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, देर आर टू फंक्शंस जिसका डेरिवेटिव निकालना है पर फंक्शन आपस में कैसा है डिवाइड किया हुआ है, फंक्शन आपस में कैसा है डिवाइड किया हुआ है, तो उसका क्या कहते हैं, जो आपका फॉर्मूला है उसको ध्यान से देखिए, पहले फर्स्ट फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करिए, फर्स्ट फंक्शन को आप क्या कीजिए डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट द फर्स्ट फंक्शन डी ऑफ एफ एक्स बाई
dx into सेकेंड फंक्शन को एज इट इज छोड़ दीजिए, बीच में कौन सा साइन डालिए, माइनस साइन, फिर सेकेंड फंक्शन को छोड़ दीजिए और फर्स्ट फंक्शन को क्या कर दीजिए, सेकेंड फंक्शन को क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, होल डिवाइडेड बाय, पहला लाइन में क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग द फर्स्ट फंक्शन इनटू द सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएटिंग द सेकेंड फंक्शन लीविंग द फर्स्ट फंक्शन होल डिवाइडेड बाय, जो आपका जी एक्स है डिनोमिनेटर है उसका क्या लिख दीजिए, होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, दिस विल बी योर आंसर, जी एक्स का, जी एक्स जो आपका फंक्शन है उसका आप क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, डन। एक न्यूमेरिकल करिए, उससे आपको समझ में आएगा कि ये कैसे सॉल्व होता है। वैसे तो ये गणित के टीचर का एक्चुअली काम है, पर फिर भी सॉल्व करना चाहिए। एग्जाम्पल, डी ऑफ डी एक्स टेन एक्स, वैसे तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको टेन एक्स का दिया हुआ है, क्या है टेन एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए जरा, टेन एक्स का डायरेक्ट क्या है, क्या आंसर आ रहा है डायरेक्ट टेन एक्स का, sec स्क्वायर एक्स है, क्या है sec स्क्वायर एक्स। अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं कि sec स्क्वायर एक्स आता है कि नहीं आता है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, d ऑफ डी एक्स साइन एस वाई कॉस एक्स लिख सकते हैं, देखिए तो लिख सकते हैं क्या, क्या है? अब ये यही फॉर्मेट बन गया, d ऑफ डी एक्स ऑफ एक फंक्शन ऊपर और एक फंक्शन, बस अब आप कुछ मत करिए, आंख बंद करके जो आपने फॉर्मूला लगाया था यानी लिखा है उसको आप यूज कर दीजिए। क्या है, पहले डिफरेंशिएटिंग द फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सेकेंड फंक्शन से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सेकेंड फंक्शन से, माइनस अब आप कीजिए फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही छोड़ दीजिए और सेकेंड फंक्शन को क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, होल डिवाइडेड बाय जो सेकेंड फंक्शन था कॉस एक्स का आप क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए यहां फिजिक्स खत्म हो गया, मतलब जो फॉर्मूला है खत्म हो गया, अब इसको रह गया बस क्या करना है, सॉल्व करना है। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, इंटू वॉट कॉस एक्स माइनस, ये साइन एक्स है और कॉस एक्स का बताइए क्या आएगा, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, देखिए तो होल डिवाइडेड बाय व्हाट, कॉस स्क्वायर एक्स लिख दें, बड़े आगे ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है माइनस और उधर का माइनस, दोनों मिला के इसको प्लस लिख दें तो साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन हो गया, वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज व्हाट, सेक स्क्वायर एक्स। तो डी ऑफ डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर आया, sec स्क्वायर एक्स। क्या फॉर्मूला लिखे थे आप लोग, यही लिखे थे कि कुछ और लिखे थे, फॉर्मूला में यही लिखे थे कुछ और लिखे थे, समझ में आया कैसे आया, ये जो रूल है इसको क्या बोलते हैं, डिवीजन रूल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिवीजन रूल। फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो लगाना बहुत आसान है, बस सही जगह पर आपको पता होना चाहिए कि क्या लगाना है, व्हाट इट, क्लियर है, है क्लियर तो बताइए। चलिए अब नेक्स्ट है थर्ड रूल, दैट इज चेन रूल। तीन ही रूल है, ये तीसरा रूल है जिसको कहते हैं चेन रूल, थर्ड रूल इज कॉल्ड एज चेन रूल। पहला प्रोडक्ट रूल, दूसरा डिवीजन रूल और तीसरा चेन रूल। लिखिए चेन रूल में होता है, कोई भी फंक्शन का अगर फंक्शन हो, मतलब फंक्शन का क्या तात्पर्य है, मान लीजिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाए, फंक्शन का फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑफ जी एक्स, ऐसे अगर फंक्शन का फंक्शन हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चेन रूल लगेगा। जैसे एक एग्जांपल में कहते हैं, मान लीजिए साइन टू एक्स लिख दिया, क्या लिख दिया, एक तो ये साइन थीटा है और थीटा अपने आप में क्या है, एक्स है,
साइन ऑफ थीटा, और थीटा फिर क्या है 2x है, तो इसका मतलब ये फंक्शन का फंक्शन है। ऐसा जहां कहीं भी होता है वहां पे हम लोग क्या लगाना पड़ता है, चेन रूल लगाना पड़ता है। ठीक है, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, ये जो फंक्शन ऑफ फंक्शन कैसे लिखते हैं, लिखते हैं एफ ऑफ जी एंड जी इज एफ ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, समझ में आया, एफ ऑफ जी और जी क्या है फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसको जब यहां पुट करिएगा तो दो बार फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा कि नहीं आएगा, गॉट इट। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, डी ऑफ एफ बाई, मान लीजिए डी एक्स आपको पूछ दिया, डी ऑफ एफ बाई डी एक्स पूछ दिया, इसको पहले लिखेंगे, नहीं समझ में आ रहा है ये वाला ही बात ही नहीं समझ में आया, फंक्शन ऑफ फंक्शन कहीं नहीं समझ में आया, इसी एग्जाम्पल से ही समझने का कोशिश करते हैं। ये साइन 2x जो है एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा लिखा हुआ, तो एक तो ये साइन थीटा है, पर थीटा किसके बराबर है 2x के बराबर है, तो एक तो ये साइन थीटा अपने आप में एक फंक्शन है और उसका जो थीटा है वो भी एक x का फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन हुआ नहीं हुआ, इसलिए ना इसको क्या बोल रहे हैं साइन ऑफ 2x बोल गए, यानी साइन थीटा और थीटा भी 2x है, तो एफ ऑफ एक्स और वो जो एफ ऑफ एक्स का जी है वो भी क्या है एक फंक्शन है एक्स का। तो इस तरह का जहां कहीं भी एक से ज्यादा फंक्शन होते हैं, यानी एक तो साइन थीटा फंक्शन है, अब यहां थीटा एक्सपोनेंशियल भी हो सकता था, थीटा लॉगरिथमिक भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, तो वहां पे ऐसा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो वहां पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला देखिए, एक एग्जांपल सिखाएंगे ना आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। डी एफ बाई डी एक्स अगर मुझे करना है इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं डी एफ बाई डी जी इंटू डी जी बाई डी एक्स, डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एफ बाई डी जी इंटू डी जी बाई डी एक्स, डीजी डीजी कट जाएगा डीएफ बाई डीएक्स बच जाएगा, कोई दिक्कत, क्वेश्चन लिखिए डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट एग्जांपल लिखिए, डिफरेंशिएट साइन 2x, अब वो क्या करना है साइन 2x को डिफरेंशिएट करना है। अब साइन 2x को डिफरेंशिएट करने के लिए आप सबसे पहले क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स साइन 2x, सबसे पहले ये आपका क्या है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है। अब पहले सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, साइन 2x को पहले आप क्या कर दीजिए डिफरेंशिएट करिए, इसको फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे लिखेंगे, डी साइन 2x बाई डी जी क्या है, यहां पे जो हमारा जी है वो क्या है 2x है, या x ही लिखिए, और इसके इनटू, इसके साथ इनटू क्या होगा जो हमारा दूसरा फंक्शन है दैट इज डी ऑफ 2x बाई डी एक्स, ये समझ में आया, दो बार फंक्शन यूज कर रहे हैं, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आंसर आएगा cos 2x आएगा इनटू, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2 आएगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 2 cos 2x होगा, नहीं आया समझ, फर्स्ट वाला d थीटा लिखिए या d ऑफ, एक मिनट, ये d थीटा लिखिए या जो आपका g है, g क्या है पूरा मेरा जी, इस वाले केस में जी क्या है 2x है ना जी 2x लिखी, तो 2x 2x कट जाएगा और ये वापस से वही क्वेश्चन बन गया, इसको इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये साइन डी एक्स बाई 2x का फंक्शन क्या होगा, आप क्या पढ़े थे डी ऑफ डी एक्स, यहां अगर साइन x लिखा रहता है तो इसका आंसर क्या आता था cos x आता था, तो यहां लिखा है साइन डी साइन 2x बाई डी एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा cos dx आएगा, cos dx आएगा बस, और d2 ये जो दूसरा फंक्शन है 2x उसको फिर अलग से डिफरेंशिएट किया, इसका क्या आ जाएगा
2x का 2 आ जाएगा, सॉल्व किया 2 cos 2x, इससे जाके आपका सारा रूल क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसे आपका सारा रूल समाप्त हो गया। कितना रूल पढ़े? 3 रूल। कौन कौन सा? प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल एंड चेन रूल। ये चेन रूल का एक और एग्जांपल देता हूं, ये चेन रूल का एक और एग्जांपल देता हूं। ये वाला ऐसा कई बार आता है, डिफरेंशिएट कॉस 2 ओमेगा, कॉस 2 ओमेगा, मान लिया ऐसा कुछ दे दिया, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे? डी ऑफ डी ओमेगा आपको दिया हुआ है कॉस 2 ओमेगा, इसको आप क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे डी ऑफ कॉस 2 ओमेगा बाई डी ऑफ 2 ओमेगा इंटू डी ऑफ 2 ओमेगा बाई डी ओमेगा। अब इसको डिफरेंशिएट किया, कॉस का उल्टा माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू इसका 2, आंसर क्या आएगा? आएगा ऐसे, चेन रूल यूज होता है। खास करके वेव चैप्टर जब पढ़ेंगे ना क्लास 11th में, लास्ट में वेव्स एंड ऑसिलेशन, वहां पे ये वाला काम आता है चेन रूल। ये ज्यादातर कौन चैप्टर में काम आएगा? वेव चैप्टर में। हेडिंग डालिए इंक्रीजिंग फंक्शन, हेडिंग डालिए, बड़े आगे हेडिंग डालिए इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, कब हम किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं? व्हेन अ फंक्शन इज सेट टू बी अ इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट? अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी इंक्रीजिंग, इफ सेट टू बी इंक्रीजिंग, इफ इज सेट टू बी इंक्रीजिंग इफ, पॉइंट नंबर वन, द वैल्यू ऑफ y इंक्रीजेस विद द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ y इंक्रीजेस विद द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ y इंक्रीजेस विद द वैल्यू ऑफ x। ध्यान से देखिए, ये आपका वैल्यू है x1 और यहां पे आपका वैल्यू क्या होगा? x2। यहां पे आपका वैल्यू क्या होगा? x2। जब हम इसके करस्पॉन्डिंगली y का वैल्यू y1 है और इसके करस्पॉन्डिंगली y का वैल्यू y2 है, इफ x इज इंक्रीजिंग y इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, ऐसा कहीं भी अगर ग्राफ हमको दिखाई देगा तो मैं क्या बोलूंगा? ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, क्लियर? तो आपने लिखा द वैल्यू ऑफ y इंक्रीजेज विद द वैल्यू ऑफ x। पॉइंट नंबर टू, the tangent to the curve of the function, the tangent to the curve of the function, the tangent to the curve of the function is having a slope, is having a positive slope, is having a positive slope, is having a positive slope। ध्यान से देखिए, यहां पर अगर आप horizontal के साथ एक angle बनाएंगे थीटा, थीटा क्या है? स्लोली एंड ग्रेजुअली थीटा इज इंक्रीजिंग। एक तो थीटा जो आपका आया है ये 90 और 0 के बीच का है। अगर मेरा थीटा 90 और 0 के बीच का होता है तो टेन थीटा का वैल्यू जो है वो इंफिनिटी से लेके और 0 के बीच का होगा, यानी ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जो थीटा है वो ग्रेजुअली क्या हो रहा है? अगर इसे मैं थीटा वन बोलूं, थीटा टू बोलूं, थीटा थ्री बोलूं, तो थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, मैं कह सकता हूं कि थीटा थ्री इज ग्रेटर देन थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन। थीटा कंटिन्यूअसली क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो ये सेकेंड साइन है कि आपका जो फंक्शन है वो कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो दो तरीका है इंक्रीजिंग फंक्शन पता करने का। एक, इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग करस्पॉन्डिंगली द वैल्यू ऑफ वाई ऑल्सो इंक्रीजेस, देन इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन।
इफ द स्लोप इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एंड इज पॉजिटिव देन इट इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग फंक्शन. इसको बना लीजिए, बनाइए इसको. तो कंटिन्यूअसली थीटा भी बढ़ रहा है और साथ साथ एक्स की वैल्यू बढ़ी तो वाई की वैल्यू भी बढ़ गई. ऐसा जहां कहीं भी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं. नाउ यू राइट. तो इंक्रीजिंग फंक्शन को अगर आप कंक्लूड करेंगे मैथमेटिकल टर्म्स में तो आप क्या लिखते हैं, राइट, इफ लिखिए, इफ इफ एक्स वन is less than x2, if x1 is less than x2, then f of x1 must also be less than f of x2. अगर ऐसा हुआ तो इसको आप क्या बोलिएगा, increasing function. और f of x1 और f of x2 क्या होता है तो आपको पता ही है. एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू क्या होता है, वाई. तो अगर एक्स वन एक्स टू बड़ा है देन लिखा हुआ है कि वाई वन वाई टू भी क्या होगा, वाई वन से बड़ा होगा. अगर ऐसा हुआ तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं. बड़े आगे. नाउ राइट डिक्रीजिंग फंक्शन. नाउ राइट डिक्रीजिंग फंक्शन. डिक्रीजिंग फंक्शन किसे कहते हैं, जहां पर इसका उल्टा हो जाएगा, जहां पर इसका उल्टा हो जाएगा. राइट, अ फंक्शन वाई ऑफ एफ एक्स इज सेट टू बी, अ फंक्शन वाई ऑफ एफ एक्स इज सेट टू बी डिक्रीजिंग इफ इफ द वैल्यू ऑफ वाई, इफ द वैल्यू ऑफ वाई, if the value of y decreases as the value of x increases, as the value of x increases. को ग्राफ से समझते हैं. मान लीजिए कि यह आपका कोई कर्व है, देखो ना, हाँ x इंक्रीज होगा. देखो यहां देखिए, ये x1 है, इसके करस्पॉन्डिंगली जो y है उसको क्या बोलूंगा, y1 बोलूंगा. जैसे से x बढ़ा x2 हो गया बढ़ गया, लेकिन y क्या हो गया, घट गया. तो आप क्या लिखेंगे, x2 is greater than x1 but y2 is smaller than y1. ऐसा जहां कहीं भी होगा कि x बढ़ा लेकिन y क्या हो गया, घट गया. x के बढ़ने पर y क्या हो जाए, घट जाए. ऐसा जहां कहीं भी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे. ऐसा जहां कहीं भी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. यानी अगर अदर वर्ड्स में बोला जाए, इफ एक्स वन और एक्स टू में ये रिलेशनशिप है, देन एफ ऑफ एक्स वन शुड बी ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू. यानी वाई वन क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए. एक्स टू बड़ा होने पर वाई छोटा हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं. कोई डाउट. नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट. अच्छा, इसके केस में, डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में एक और बात सोचना देखना चाहिए. डिक्रीजिंग फंक्शन को देखिए, इसका स्लोप देखिए, किसी भी पॉइंट पे इसका स्लोप देखिए, किसी भी पॉइंट पे इसका स्लोप देखिए. पहले एक तो इसका स्लोप जो है, स्लोप हमेशा किस एक्सिस से लेते हैं, स्लोप हमेशा किस एक्सिस से लिया जाता है, एक्स एक्सिस से. स्लोप हमेशा क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस से. तो आप देख रहे होंगे कि थीटा थ्री सबसे छोटा है, फिर कौन है, थीटा टू, और सबसे बड़ा कौन है, थीटा वन. लेकिन ये सारे के सारे थीटा कैसे हैं, नेगेटिव है. ये सारे के सारे थीटा कैसे हैं, नेगेटिव है, बिकॉज एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. थीटा इज लाइंग बिटवीन 180 डिग्री एंड 90 डिग्री. और जब थीटा 180 से 90 होता है तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है. तो ये सारे के सारे नेगेटिव है, तो
तो स्लोप आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा जब वो कैसा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और स्लोप आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा जब वो कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यहां पर कोई डाउट? डन। नेक्स्ट यू राइट, नेक्स्ट यू राइट क्रिटिकल पॉइंट, नेक्स्ट यू राइट क्रिटिकल पॉइंट। खास करके क्यूबिक पॉलिनोमियल की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पर यह काम आता है। अब देखिए इस तरफ की अगर बात करें तो स्लोप कैसा है, थोड़ा सा स्लोप को और अगर मैं सुलाकर बनाऊं तो ज्यादा अच्छा आपको फील आएगा। इस तरफ की अगर मैं बात करूं तो यहां पे स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। इस तरफ की बात करूं तो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। अगर इधर नेगेटिव स्लोप है और अगर इधर पॉजिटिव स्लोप है तो कोई एक पॉइंट जरूर ऐसा आया होगा, कोई एक पॉइंट जरूर ऐसा आया होगा जहां पर टेन थीटा किसके बराबर हुआ होगा, जीरो के बराबर है। कि भाई कोई चीज नेगेटिव से पॉजिटिव हुई है बीच में उसको जीरो होना पड़ेगा। तो जिस पॉइंट पर टेन थीटा यानी जिस पॉइंट पर स्लोप आपका क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, उसी को कौन सा पॉइंट कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। राइट, द क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट एट विच, द क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट एट विच द स्लोप ऑफ द कर्व, द स्लोप ऑफ द कर्व, द स्लोप ऑफ द कर्व बिकम्स इक्वल टू जीरो, फुल स्टॉप। एट दिस पॉइंट देर इज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ कर्व, एट दिस पॉइंट देर इज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ कर्व, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ कर्व। Change in the direction of curve. Then, जो अभी बनाए थे ये देखिए, अभी देखिए ये एक मैं आपसे सवाल पूछता हूं। आपका curve मान लीजिए ऐसा है, ये आपका curve है, क्या मैं क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ सकता हूं? ये और ये क्या कहलाएगा, ये क्या है क्रिटिकल पॉइंट और ये भी क्या है, यानी दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल पॉइंट एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिटिकल पॉइंट। ये दोनों क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। इधर मेरा स्लोप कैसा है, इधर मेरा स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। इधर मेरा स्लोप कैसा है, नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो बीच में क्रिटिकल पॉइंट पड़ना ही चाहिए। इधर मेरा स्लोप कैसा है, इस तरफ मेरा स्लोप कैसा है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ तो एक क्रिटिकल पॉइंट पड़ना ही चाहिए। अगर मेरा स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गया है तो बीच में एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा ही आएगा। डन। हेडिंग डालिए, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ कर्व, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ कर्व। ये दोनों कंडीशन ध्यान रखिएगा, कई बार मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन पूछ लेता है तो उस टाइम आपको ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा में, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं मैक्सिमा का कंडीशन। मैक्सिमा का क्या कंडीशन होता है, हाउ यू विल गेट टू नो कि किसी पॉइंट पर मैक्सिमा बन रहा है, यानी ऊपर वाला पॉइंट बन रहा है। ये जो अभी आप स्लोप देखे ना, यहां दो स्लोप बना है, एक ये भी क्रिटिकल पॉइंट है, एक ये भी क्रिटिकल पॉइंट है।
इसमें कौन सा मैक्सिमा और कौन सा मिनिमा वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन इज, पहला क्या होना चाहिए, dy by dx इक्वल टू जीरो होना चाहिए। पहला कंडीशन है dy by dx इसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। और सेकेंड कंडीशन है, अगर dy by dx का सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव समझते हैं क्या होता है, ये समझते हैं, ये समझते हैं क्या होता है, नहीं अभी बताता हूं, पहले लिख लीजिए। ये अगर कहीं पर भी ट्रू हो गया तो इसका मतलब वहां पर क्या लाई कर रहा है, मैक्सिमा लाई कर रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाए और सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाए तो उस जगह पे क्या लाई करेगा, मैक्सिमा लाई करेगा। और सेकेंड आप लिख लीजिए, ये लिख लिए कंडीशन ऑफ मिनिमा लिख लीजिए, एक सवाल कराएंगे क्लियर हो जाएगा। कंडीशन ऑफ मिनिमा लिख लीजिए, कंडीशन ऑफ मिनिमा लिख लीजिए, कंडीशन ऑफ मिनिमा क्या है, कंडीशन ऑफ मिनिमा है कंडीशन नंबर वन, इसमें भी क्या होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। मिनिमा में फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर। और जो सेकेंड डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यह कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। जहां पर ऐसा आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमा बोलेंगे। डन, क्वेश्चन लिखिए तो समझ में आएगा। फाइंड दी रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन, फाइंड दी रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन लिखिए एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 63x प्लस 42। ये मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है, आपसे कह रहा है कि बताओ इसका मैक्सिमा और मिनिमा कहां पर आए। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए। एक बार डिफरेंशिएट किया मतलब डी ऑफ, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स भी लिखते हैं या इसको एफ डैश एक्स भी लिखते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। डी ऑफ एफ एक्स मतलब डी ऑफ एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 63x प्लस 42 बाई डी एक्स, अलग अलग नहीं करके डायरेक्टली लिख रहा हूं, 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 63। डन, मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप अपना फॉर्मूला आके करते रहिएगा, मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। डायरेक्ट करने पर यही आ रहा है, क्या आ रहा है, डी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब था 3 आगे आया और 3 माइनस 1 दैट इज 2, 3x स्क्वायर माइनस का माइनस ये 2 सामने आ गया तो 12 एक्स 2 माइनस 1 एक्स रह गया, 63 ऐसे ही रह गया, x के पावर 1 था, 1 माइनस 1 0, एनीथिंग टू पावर 0 इज 1, तो ये 63 हो गया। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, खत्म हो गया। यहां तक कोई डाउट? अब अगर मुझे ये पता करना है कि इसका मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो आपने दोनों ही केस में देखा था कि मेरा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको हमको किसके बराबर कर देना चाहिए, जीरो के बराबर। देखिए कंडीशन आप लिखे हैं ना मैक्सिमा और मिनिमा दोनों में, पहला कंडीशन क्या लिखे हैं दोनों ही केस में, डीवाई बाई डी एक्स देखिए क्या लिखा हुआ है, जीरो लिखा हुआ है। तो आप दोनों का डीवाई बाई डी एक्स को करने, मिनिमा निकालना है या मैक्सिमा, मेरे को पहले इसका डीवाई बाई डी एक्स क्या कर देना चाहिए, जीरो। तो डीवाई बाई डी एक्स जीरो का क्या मतलब है, डीवाई बाई डी एक्स जीरो का मतलब है 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 63 इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, 63 इंटू 3 कॉमन आ रहा है तो लेके खत्म कर देते हैं, कितना आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू जीरो। अब थोड़ा सोचिए, 21 चाहिए, बीच में 4 है, कितना है, 7 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3x 7 3 ना माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू जीरो। यहां से x कॉमन लिया, x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन लिया, x माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व किए, x माइनस 7 और यहां से आ गया x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 और
x इज इक्वल टू माइनस थ्री, और क्यों लिखे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर है, जीरो के बराबर। जब दो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर, तो हमें नहीं पता कि ये वाला जीरो है कि ये वाला जीरो है। कोई भी दो चीज का मल्टीप्लीकेशन जीरो के अगर बराबर है तो हमें ये नहीं पता होता कि ये वाला जीरो है या ये वाला, तो हम मानते हैं या तो ये वाला जीरो होगा नहीं तो ये वाला जीरो होगा। अगर ये वाला जीरो हुआ तो x इज इक्वल टू सेवन, अगर ये वाला जीरो हुआ तो x इज इक्वल टू माइनस, क्लियर। अब अगर ये आ गया तो हमारा ये फंक्शन जीरो कब कब हो रहा है, या तो x इज इक्वल टू सेवन पर या x इज इक्वल टू माइनस थ्री पर। अब आगे जो आपका फंक्शन था उसको अब आपको क्या करना है, डबल डेरिवेटिव, क्या करना है, डबल डेरिवेटिव, दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जिसका मतलब होता है डी एक्स स्क्वायर आपका डबल डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, तो फंक्शन क्या बच गया था, देखिए तो थ्री एक्स स्क्वायर फोर एक्स नहीं ट्वेल्व एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस सिक्सटी थ्री। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक बार और डिफरेंशिएट करिएगा, सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व बच जाएगा, क्या बच जाएगा, सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व। अब x का दो ही वैल्यू हमारे पास, एक है x का वैल्यू सेवन और एक तो x का वैल्यू माइनस थ्री। दोनों एक एक बार इसमें पुट करिए, डबल डेरिवेटिव में पुट करके देखिए, जब आप यहां सिक्स इंटू सेवन माइनस ट्वेल्व किए कितना आया, फोर्टी टू माइनस ट्वेल्व, इसको सॉल्व किए कितना आया, थर्टी आया। और इसको सॉल्व कीजिए, सिक्स इंटू माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व, इसको सॉल्व किए माइनस एटीन, और ये माइनस ये कितना आ गया, माइनस थर्टी। डबल डेरिवेटिव माइनस थ्री पर क्या है, नेगेटिव है, और डबल डेरिवेटिव सेवन पर क्या है, अगर पॉजिटिव होता है तो वहां पर क्या आता है, और नेगेटिव होता है तो वहां पर क्या आता है। इस फंक्शन का मैक्सिमा कहां पर पड़ेगा और मिनिमा कहां पर पड़ेगा, समझ में आया, इस फंक्शन का मिनिमा और मैक्सिमा समझ में आ गया, कैसे पड़ेगा कहां पड़ेगा, कोई डाउट तो पूछिए। तो सेवन पर पड़ा मिनिमा और थ्री पर पड़ा मैक्सिमा, लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए, आप लोग लिखिए, वाह बहुत फास्ट। क्लियर, इससे हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है वो हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। तो यहां तक रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन एक टॉपिक है जो डिफरेंशिएशन का ही छोटा भाई है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।